कवरेशन के लिए एक बात आपको खास कर से ध्यान रखनी है कि मीडिया कवरेज के लिए एक अलग से सेक्शन बनाना मैम, और जो भी पार्टीशन है वो अलग अलग डिवाइड करने होंगे। बाकी मैंने जो पीडीएफ है वो चेक कर रहा हूँ एक बार। थोड़ी देर बात की वो क्या है ना कि कल जो हमारे घर में पार्टी है उसके लिए मैं इवेंट मैनेजमेंट की अपडेट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा पीछे बात बेटू बात जरूरी है। सारी अब तुम्हारी शादी को लेकर प्लीज़ तो मुझे बात कर रही है। एक्सक्यूज मी, आई विल कॉल यू लेटर। थैंक यू। माँ, उस बात के बारे में बचाई क्या बात करें। वैसे भी सारी बातें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी और रही बात साबित की तो वैसे भी वो परसों रही बात साबित परसों वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाए। यूडी माँ बेटे, अरे तुम माँ बेटे बाद में गप्पे लड़ाना, पहले मेरी गुड न्यूज सुन लो। रिया जयसवाल पता है ना, मान जी ने जिसकी कुंडली और बायोडाटा भेजा था वो और उसका परिवार परसों आ रहे हैं नित्यम से मिलने। क्यों क्या भी मैं साड़ी और बेटों के बारे में बात करने आई थी। इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं। एक साथ मत बोलो। दरअसल वो सारी के मामा है ना, उससे पता चला कि उनके घर की स्थिति ठीक है, इसीलिए उसने छुट्टी के साथ कुछ कहा है। वो लोग बेबस थे, परिवार में खाना नहीं था खाने, ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने छुट्टी के साथ कुछ कहा है। और तुझे पता है बेटू, मेरी बात सुन, वो जो अगरबत्ती वाली बिजनेस थी ना शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। सब कुछ गलत जा रहा था उस लड़की के लिए। आप मेरी बात सुनो, मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताइए ऐसी उसकी कौन सी मजबूरी थी जो उसने अपना और अपने परिवार का मजाक सबके सामने बना दिया। हाँ, और दालमिया खानदान का नाम और पैसा दोनों डुबाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पीछे किसी और का हाथ था, किसी ने किसी और के साथ मिलकर साजिश की। एक मौका देना चाहिए सारी। मतलब फाइनली माँ, सारी गोयल ने एक बार फिर से आपको अपनी बात में फुसलाई। हाँ, पहले वो अपनी कहानी सुनाने के लिए मेरे पास है, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया तो सीधा आपके पास पहुंच गया। पता ही हुई 3 दिन सेम रेट लगा दिया। अच्छा, आप मुझे एक बात कि अपना उसने अपनी सो कॉल तहकीकात के बाद क्या आप उस कल्प्रिट का नाम बताएं। समझ गया, नहीं बताया। ये उसका इस घर में टिकने के लिए छोटे छोटे बहाने, और ये बात आपको समझ नहीं आ रही। कभी हो जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही है। यूडी ने बोला, बोल वेदिका। बोलो वेदिका। क्या तुम्हारे पास उस गुनहगार का नाम जिसने हमारे साथ इतनी घटिया हरकत की? क्या तुम्हारे पास वो गुनहगार का नाम है जिसने हमारे फैमिली के साथ घटिया हरकत की? हाँ, हाँ है। तो बताओ। मेरे पास एक नाम है, रिया जयसवाल। जो अब इतना सोचने विचारने का वक्त गया। वेदिका, तुम्हारे पास नाम नहीं है लेकिन मेरे पास है।